हाँ जी, एक मुरली ने ऐसा बोला है कि पुरुषार्थ कंप्लीट होने पर सुख की भी जरूरत नहीं और दुख की भी कोई दुख की कोई जरूरत होती है, दुख और सुख की महसूसता नहीं होती है। दुख और सुख भोगने वाली आत्मा तो है, आत्मा दुखी भी होती है, आत्मा सुखी भी होती है, लेकिन आत्मा शरीर के साथ सुखी और दुखी होती है या बिना शरीर के भी सुखी दुखी होती है? अगर शरीर का ममत्व छूट जाए, शरीर को आत्मा छोड़ दे, शरीर का अटैचमेंट आत्मा को छूट जावे, तो सुख दुख की बात रहेगी? नहीं रहेगी। ये अटैचमेंट ही सुख दुख का कारण बनता है। सत्युग में भी अटैचमेंट होता है, कुछ न कुछ देह का अटैचमेंट होता है, परंतु शरीर की श्रेष्ठ इंद्रियों से होता है, इसलिए देवताओं को श्रेष्ठ आचारी कहते हैं, श्रेष्ठ आचरण करने वाले। मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। स्वभाव संस्कार है तो हर जन्म में वैसा प्राप्त होता है क्या? ये आखिरी जन्म है या पहले पहले का जन्म है या मध्य का जन्म है? ये पहला पहला जन्म है, आखिरी जन्म है। तो आखिरी जन्म में पहले जन्म से लेकर के आखिरी जन्म तक अनेकों के संबंध संसर्ग संपर्क में आए या एक के आए? तो अनेकों का संग का रंग लगा ना, तो स्वभाव संस्कार अनेकों का ऐड हो गया या एक का ऐड हो गया? तो इस जन्म में और पूर्व जन्म के स्वभाव संस्कारों में अंतर नहीं होगा? जरूर अंतर पड़ जाएगा। कहां व्यभिचारी स्वभाव संस्कार और कहां अव्यभिचारी स्वभाव संस्कार? मंदिर कोई भी मंदिर में घंटा लगाई जाती है और उस घंटे को बजाकर भगत लोग भगवान का दर्शन लेते हैं, इसका अर्थ क्या है? संगम युग में ज्ञान के घंटे हैं या स्थूल घंटे हैं? ज्ञान के घंटे हैं। कोई बड़े बड़े घंटे हैं और कोई छोटे छोटे घंटे हैं। शिव के मंदिर में जाते हैं तो पुराने पुराने जो शिव के मंदिर हैं, ढेर के ढेर घंटे लगे हुए हैं, छोटे बड़े। देवियों के मंदिर में भी घंटे लगे हुए हैं। तो भक्त लोग जब अंदर घुसेंगे तो मंदिर में घुसने से पहले घंटे बजते हैं, दर्शन करने से पहले घंटे बजाते हैं या बाद में बजाते हैं? बाद में बजावे या ना बजावे, लेकिन जब अंदर घुसेंगे टन। वैसे भी हम किसी के घर जाते हैं
तो ऐसे ही बड़बड़ा के घुसे चले जाते हैं या घंट बजा के जाते हैं? क्यों बजा के जाते हैं? हम आए हैं, अगर बिना बजाए हम अंदर घुसे चले जाए बेडरूम तक तो पिटाई कर देंगे कि नहीं? हैं? हकाल देंगे ना, नाराज होंगे ना, हमने घंटी लगाई हुई है, तुमने घंटी क्यों नहीं मारा? ये दुनिया वालों की बात है कि हमारी ही बात है? हैं? हमारी भी बात है। तो ये ज्ञान के घंट हैं, ये जो घंट हैं वो बाहर आवाज फेंकते हैं या इनकी अंदरूनी आवाज है? हैं? बाहर आवाज फेंकते हैं। जितने भी घंटे हैं वो सब आत्मा रूपी घंटे देह अभिमानी है कि आत्मा अभिमानी है? आत्मा अभिमानी है। सब देह अभिमानी है। वो घंटे बजते हैं और भक्ति मार्ग वाले घंटे बजाते हैं या ज्ञान मार्ग वाले घंटे बजाते हैं? भक्ति मार्ग वाले बजाते हैं। वो समझते हैं कि जैसे हम भिखारी हैं ऐसे भगवान भी बेडरूम में पड़े होंगे, इसलिए हमारा फर्ज बनता है घंट करें, आवाज करें, आवाज करके फिर हम उनके दर्शन करें। हे भगवान भगवती उठ के बैठ जाओ, हम आ रहे हैं, तो अलर्ट कर देते हैं। ये जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उनको दिखाई पड़ती है भक्तों को। और ये शूटिंग कहां होती है? है? संगम युग में ये शूटिंग होती है। और किसी युग में ये शूटिंग नहीं होती है। भगवान का इन आंखों से दर्शन होता है क्या? है? भगवान सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म का दर्शन स्थूल आंखों से नहीं हो सकता। कौन सी आंख से होता है? तीसरे नेत्र से उसका दर्शन किया जा सकता है। तो ये तीसरा नेत्र जो है, पहले बाप का खुलेगा या सबका इकट्ठा खुलेगा? पहले बाप का खुलता है, फिर बच्चे जो हैं वो नंबरवार छोटे बड़े होते हैं या एक जैसे होते हैं? कोई बड़े बच्चे, कोई छोटे बच्चे। तो ये छोटे बड़े घंट हैं जिनको अपने आत्मा की जब पहचान होती है तो बुद्धि में ज्ञान टपकता है, घंट बजता है, ज्ञान की घंटियां बजने लग पड़ती हैं। तो सबकी बुद्धि में ज्ञान का मंथन तो चलता है। क्या भगवान का पूरा दर्शन भी कर लिया किसी ने? हैं? कर लिया? पूरा नहीं किया। बीच बीच में अनिश्चय बुद्धि होते हैं ना, जो अनिश्चय बुद्धि होते हैं इससे क्या साबित होता है कि ज्ञानी हैं या भगत हैं? है? क्या है? जब अनिश्चय बुद्धि है तो भक्त हैं, ज्ञानी है तो पक्का निश्चय होना चाहिए। तो जो पक्के निश्चय वाले हैं उनको क्या पहचान होगी? जिनको पक्का निश्चय होता जाएगा, 100% निश्चय हो जाएगा, उनकी निशानी क्या होगी? हैं? हाँ, खुशी तो होगी लगातार,
लेकिन खुशी भी कौन सी, रूहानी या जिस्मानी? रूहानी खुशी माने ज्योत बिंदु आत्मा की स्मृति स्थायी हो जाएगी, उस समय उनको बोल बोल करने की दरकार रहेगी है? बोल बोल करने की दरकार नहीं, घंट बजाने की दरकार होगी नहीं। और जब तक देहभान है, आत्मिक स्थिति लगातार नहीं बनती है, तो कुछ न कुछ बुद्धि मन चलायमान बना रहता है, कुछ न कुछ प्रश्नात्मक बुद्धि बनी रहती है, प्रसन्न चित्त सदाकाल के लिए नहीं हो पाते, तो भक्ति मार्ग के संस्कार रहते हैं, इसलिए घंट बजाते रहते हैं। और राम को बेर खिलाने वाली जो शबरी थी वो कौन थी? शूद्राणी है? हाँ, जो शूद्र है ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण की पहचान क्या होगी? ब्राह्मण और शूद्र में क्या फर्क होता है? हैं? हाँ, ब्राह्मण पवित्र होते हैं, उनकी इंद्रियां भी पवित्र होती हैं, और शूद्रों की विविचारी इंद्रियां होती हैं या विविचारी होती हैं? हैं? विविचारी नहीं होती, विविचारी होती हैं, अभिविचारी इंद्रियां नहीं बना पाते। भक्ति मार्ग में सब स्थूल उठा लिया है, उन्होंने समझा कि भीलनी जो थी वो स्थूल बेर झूठे कर करके भगवान को खिलाती थी, अब ऐसी बात नहीं है। झूठा शरीर होता है या आत्मा? शरीर झूठा होता है, शरीर की प्रक्रियाएं हैं, शरीर के जो पार्ट है इंद्रियों के, वो व्यभिचारी और अव्यभिचारी हो सकते हैं। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भगवान विविचारी या विविचारी देखता है या प्यार देखता है? है प्यार देखता है, ये नहीं देखता है कि ये आत्मा पतित है, विविचारी है, नीचे है, नहीं, क्या देखता है? है हाँ, आत्मा की अंदर वो प्यार देखता है कि प्यार क्या भरा हुआ है। तो शरीर भल कैसा भी है, आत्मा प्यार भरी होनी चाहिए, वो भी सच्चा प्यार होना चाहिए, झूठा प्यार नहीं होना चाहिए। सच्चा प्यार जो है वो सदाकाल के लिए स्थायी होता है, और झूठा प्यार है? झूठा प्यार अल्पकाल का होगा। तो बीलनी का सच्चा प्यार था, लेकिन शूद्राणी थी, ब्राह्मण बनने के बाद भी ब्राह्मण ही नहीं बन सकी, क्या बनी? शूद्राणी की शूद्राणी रही। ये अंतर पड़ जाता है। और शरीर के अंगों की बात है, अंग व्यभिचारी भी होते हैं, अव्यभिचारी भी होते हैं, ज्ञान में आने के बाद भी शरीर के अंग व्यभिचारी होते हैं, उन्हें शूद्र कहा जाता है, अव्यभिचारी होते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। और भक्ति मार्ग में गणेश जी को ही पहला पूजे का मान क्यों दिया है?
भगवान निराकार या भगवान साकार, असल में क्या है? है क्या है असल में? तो निराकार है, भले साकार में आता भी है तो भी स्टेज से निराकार है। तो जो निराकार है वो तो भगवान है, और जिसमें आता है, जिसमें पहले पहले आता है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूं, तो प्रकृति पांच तत्वों के शरीर को कहा जाता है या आत्मा को ही कहा जाता है? पांच तत्वों का शरीर है तो प्रकृति का उत्तम रूप कहा जाता है। तो जो पहला पहला प्रकृति का नमूना है, जिसे आदम आदिदेव एडम कहा जाता है, सृष्टि का पहला पुरुष, वो उसकी रचना हो गई निराकार की। ज्योति बिंदु बीज बाप हो गया। तो जो साकार है, जिसमें पहले पहले वो निराकार प्रवेश करता है, किस लिए करता है? उसको आप समान बनाने के लिए प्रवेश करता है या ज्यों का त्यों छोड़ देता है? आप समान बनाने के लिए प्रवेश करता है। तो जैसे वो निराकार है जिसमें प्रवेश करता है, वो आत्मा भी देह में आखिरी स्टेज में लिप्त रहने वाली बनती है या निर्लिप्त हो जाती है, निराकार बन जाती है, निर्लिप्त हो जाती है। नो अटैचमेंट, देह से कोई अटैचमेंट नहीं रहता। लेकिन जो अटैचमेंट नहीं रहता है वो सदाकाल की बात है या अल्पकाल की बात है? है? कहेंगे अल्पकाल की बात है। सदाकाल तो वो ही निराकार है एक, एक निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, सदरू अकाल मूर्त, वो एक का ही टाइटल है। जिसको बनाता है पहले पहले वो निराकारी तो बनता है, निर्विकारी तो बनता है, निरहंकारी तो बनता है, लेकिन सदाकाल का नहीं बनता है। भगवान भी है क्या? भगवान आते हैं तो क्या टाइटल देते हैं? भगवान भगवती का टाइटल देते हैं। तो वो भगवान भी है लेकिन सदाकाल का नहीं। कोई काल ऐसा भी आता है कि भगवान की जगह क्या बन जाता है? राम, रावण, शैतान भी बन जाता है। तो जो भगवान भी बनता है, शैतान भी बनता है, उस आत्मा रूपी रिकॉर्ड में दोनों ही प्रकार के पार्ट भरे हुए हैं या सिर्फ भगवान या शैतान के ही भरे हुए हैं? दोनों प्रकार के पार्ट भरे हुए हैं। जिसमें वो सुप्रीम सोल सदाशिव प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने मात्र से ही वो शैतानीय के संस्कार खत्म हो जाते हैं या चलते रहते हैं? प्रवेश करने मात्र से ही खत्म हो जाते हैं। 76 में बाप प्रत्यक्ष हुआ तो शैतानीय संस्कार खत्म है, खत्म हो जाते हैं। माने आगे पुरुषार्थ करने की दरकार नहीं है? है या नहीं? पुरुषार्थ करने की दरकार है। इसका मतलब माया का प्रकोप चलता है, पुरुषार्थ चलता है, आत्मा के कल्याण के अर्थ, पुरुष बने आत्मा, आत्मा के कल्याण के अर्थ कमाई चालू बनी रहती है,
खत्म नहीं होती, वो तब तक चालू बनी रहती है जब तक जिसे शंकर नाम दिया गया है वो बाप समान स्टेज धारण न करे। इसलिए भक्ति मार्ग में शिव शंकर को एक कह देते हैं, लेकिन भक्ति मार्ग में कहते हैं या ज्ञान मार्ग में है? भक्ति मार्ग में कहते हैं। अभी हम तो नहीं कहते कि शिव शंकर एक है, एक आत्मा है या दो आत्मा, दो आत्माएं हैं तो फर्क होगा कि नहीं, फर्क होगा। तो फर्क यही है कि वो निराकार से जो रचना पहली पहली बनती है वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ एक ही बनेगा या अनेक बनेंगे, एक बनता है। जैसे जंगल में अनेकों प्रकार के प्राणी हैं, उनमें राजा कौन माना जाता है? शेर राजा माना जाता है। जो राजा माना जाता है वो कम बच्चे पैदा करता है या ज्यादा पैदा करता है? कम पैदा करता है। और शेर एक ही पैदा करेगा क्या? एक शेर पैदा करता है। इसलिए मुरली में भी बोला है गॉड इज वन, तो गॉड का बच्चा भी वन कहा जाता है। कहते हैं देव देव महादेव, तो देवताओं में बड़ा महादेव शंकर। तो एक बाप का एक बड़ा बच्चा, और वो बड़ा बच्चा महादेव कहा जाता है, छोटा मोटा देव नहीं। लेकिन वो भल महादेव है लेकिन सदा काल का महादेव नहीं है। कोई ऐसा भी टाइम आता है कि उसके देवत्व के संस्कार सारे ही खत्म हो जाते हैं, क्या रह जाता है? अरे राम क्या बन जाता है? रावण बन जाता है। रावण सबसे बड़ा राक्षस माना जाता है, बड़े से बड़ा शैतान माना जाता है। तो उसमें वो भी संस्कार भरे हुए हैं उस बिंदु रूप आत्मा में। सवाल ये है कि सुप्रीम सोल शिव जो सदा शिव है उससे जो पैदाइश होगी और वो जिसमें प्रवेश करता है उससे जो पैदाइश होगी उस पैदाइश में फर्क होगा या नहीं होगा? है? होगा। जो फर्क होगा वो अच्छाई का फर्क होगा, घटताई का फर्क होगा या ऊंचाई का फर्क होगा? है? अच्छाई का फर्क होगा। क्या फर्क होगा? कि सदाशिव से जो पैदाइश हुई वो ऊंचे से ऊंची होगी स्वभाव संस्कार की, और उसने जिसमें प्रवेश किया है उससे जो पैदाइश होगी वो उतनी ऊंची नहीं हो सकती। तो मनुष्य को देवता बनाने वाला ऊपर वाला है या नीचे वाला है? ऊपर वाला है मनुष्य को देवता बनाने वाला, और जिसमें प्रवेश करता है तो कितना भी करे लेकिन कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकता। क्या बनाएगा? हाँ, श्रीमत पर चलेगा तो कृष्ण जैसा बच्चा राधा जैसी बच्ची पैदा कर सकता है, लेकिन क्या सदैव ब्राह्मण बनने के बाद सदैव श्रीमत पर चलता है क्या? 63 जन्म की शूटिंग नहीं करता है? करता है। तो जब अच्छी शूटिंग होती है तो देव आत्माएं जो हैं वो रचना बनती हैं, और जब खराब शूटिंग होती है तो ये विचुटन पैदा होते। इसलिए बोला शंकर से क्या पैदा हुए? पहले बिच्छू टेंडन पैदा हुए। साथ में पार्वती है तो देवात्माएं जन्म लेंगी, पार्वती नहीं है
समान पुरुषार्थिनी, तो क्या पैदा होंगे? विच्छेदन पैदा होंगे। इसलिए बताया कि शंकर के कितने पुत्र दिखाए हैं भक्ति मार्ग में? दो खास, ऐसे तो बहुत हैं, अंधकार स्वरूप ये वो भी है, लेकिन मुख्य मुख्य दो हैं। उनमें एक ऐसा है जिसमें बाप के संस्कार ज्यादा हैं, क्या? और एक ऐसा है जिसमें मातृत्व के संस्कार ज्यादा है। कौन कौन है? जो गणेश है वो मातृत्व के संस्कार ज्यादा है, मां तेला खास है, और जो षणमुख कहा जाता है, छह मुखों वाला, उसमें बाप के संस्कार ज्यादा है। बाकी दोनों दोनों बच्चे टोटल 100% दैवत्व स्वभाव वाले हैं, या जानवरियत की रूपरेखा वाले भी हैं? जानवर की भी सूरत है उनको, सूरत सीरत को दिखाने के लिए बनाई गई है। क्या अंतर है दोनों की सूरत में? कुछ अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? है? हाँ, एक तो है मनुष्य का रूप, लेकिन मनुष्य का रूप होते हुए भी अपने बाप के मुकाबले उसको आधे सिर जरूर है। बाप को 10-11 सिर दिखाए जाते हैं, रावण को सर कितने? 10 सिर और एक गदा दिखाया जाता है ना, तो बच्चे को कितने सिर हैं? 6 सिर हैं। माने बच्चा जो है वो 6 मुखों से बात करने वाला है। इस्लाम धर्म में कभी रम जाता है, कभी बौद्ध धर्म में रम जाता है, कभी क्रिश्चियन धर्म में रम जाता है, कभी सन्यासियों में रम जाता है, कभी सिखों में रम जाता है, कभी मुसलमानों में रम जाता है। 6 धर्मों को सपोर्ट करने वाला है। भगत क्या करते हैं? भागते रहते हैं कि एक जगह टिकते हैं? बुद्धि भागती रहती है। संगम युग में भी कितनी भी बार भक्ति करते हैं, बार बार भक्ति करते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग की झांझ बजिया बजाने में मंदिर मस्जिद गिरजाघर चक्कर काटते हैं। ये उनकी यादगार है, 6 मुख से बात करने वाले हैं। कहते हैं ये तो दुमुहा है, एक मुंह से बात, यानी इसकी एक पक्की बात नहीं है, बात बदलता रहता है। तो वो बड़ा बच्चा है। और दूसरा है मातेला, उसमें माता के संस्कार ज्यादा है। तो प्योरिटी होगी या नहीं होगी? है, प्योरिटी है। प्योरिटी के ऐसे संस्कार हैं कि शरीर जो है वो भल देह अभिमानी दिखाया है, देह अभिमान तो भरा हुआ है, परंतु वो देह अभिमान मुख में ज्यादा है या और इंद्रियों में ज्यादा है? है, मुख में ज्यादा है, देह अभिमान भरा हुआ है। वो हाथी का मुख दिखाया जाता है, मुख में मन बुद्धि रूपी आत्मा भी होती है। जानवरों में हाथी जितना समझदार होता है उतना और कोई दूसरा जानवर समझदार नहीं होता। तो समझ के हिसाब से, ज्ञान के हिसाब से अगर देखा जाए तो मां बाप के द्वारा ली हुई परीक्षा में कौन पास होता है? पहले
बुद्धिमान पहले पास होता है, उसको माथा चौड़ा दिखाते हैं, कान बड़े बड़े दिखाते हैं, माने ज्ञान सुनता सुनाता बहुत है, नाक भी लंबी दिखाते हैं। या हाथी ज्यादा काम किससे करता है? नाक से ज्यादा काम करता है। तो ये सारे रूप इस बात के साबित करने वाले हैं कि उत्तरोत्तर रचयिता के मुकाबले जो रचना होती है वो कम कोटि वाली होती है, उसका ग्रेड नीचा होता है। सदाशिव से मनुष्य से देवता बनाए जाते हैं, और देवताओं में जो बड़ा देवता है वो देवता नहीं बना सकता है सदा के लिए, वो क्या बनाता है? हैं? राम वाली आत्मा त्रेता युग में क्यों दिखाते हैं? हैं? ज्यादा राज्य है क्षत्रियों का चला है भारतवर्ष में, या ब्राह्मणों का, दूसरे धर्म वालों का चला है, दूसरे कुल वालों का, वंश वालों का? क्षत्रियों का राज्य चला है। सीढ़ी के चित्र में, झाड़ के चित्र में भी देखो, लक्ष्मी नारायण तो खड़े हुए हैं और राधा कृष्ण, वो राम सीता खड़े हुए हैं या छत्र छाया के नीचे हैं? क्यों वो छत्र छाया के नीचे क्यों हैं? लक्ष्मी नारायण को छत्र छाया क्यों नहीं दिखाई गई? है? वो गद्दी बैठे हुए हैं राम सीता, और लक्ष्मी नारायण को गद्दी नहीं दिखाई गई है, क्यों? राजगद्दी राम की प्रसिद्ध है या कृष्ण और लक्ष्मी नारायण की प्रसिद्ध है? राम की गद्दी प्रसिद्ध है। मंदिरों में भी लक्ष्मी नारायण को खड़ा हुआ दिखाते हैं और राम सीता को बैठा हुआ दिखाते हैं, इसका राज क्या है? है? नहीं, दो कला कम तो होती है, यज्ञ के आदि में जो पुरुषार्थ किया है उसमें फेलियर होने के कारण दो कलाएं कम हो गई, और जब षष्ठी का जो बाप है उसी की दो कलाएं कम हो गई, तो कोई ऐसा नहीं बचता जिसकी दो कलाएं कम ना हो जाए। त्रेता का ऐसा कोई देवता है? जो सतयुग में देवता रहा हो, त्रेता में 14 कला ना बने? सभी बनते हैं ना, तो फेल तो सब होते हैं। कोई पहले फेल होकर के ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, कोई बाद में फेल होते हैं। माया किसी को छोड़ती नहीं है। हाँ, बाप को जो पहले पहले पहचानते हैं वो बाप से राजगद्दी ले लेते हैं। इसलिए संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा शरीर के रहते रहते विश्व की बादशाही प्राप्त नहीं करती, और राम वाली आत्मा शरीर के रहते रहते विश्व की बादशाही प्राप्त करती है। यहां की ही बातें सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में दिखाई जाती है। और लंबा चौड़ा भक्ति मार्ग में शंकर के अनेक नाम हैं। उन नामों में से एक नाम है धूर्जटी। क्या
लेकिन दूर जटी जो है वो किसी हठ योगी का नाम है भक्ति मार्ग में, या स्पेशली शंकर का ही नाम है? है धूर जटी एक हठयोगी ऋषि था जो बहुत क्रूर था, अपनी ही शिष्य और शिष्या को और शिष्य की पत्नी को बहुत दुख देता। तो जो धूर जटी जो नाम है तो शंकर का भी, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। मुरली में क्या बोला? मुरली में बोला दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू ना होती हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम वो भी तेरे पर लागू होता, और मर्यादाहीन रावण वो भी तेरे पर लागू होता। तो अच्छे से अच्छा और बुरे से बुरा कोई भी ऐसा नहीं है पात्रधारी जो राम के ऊपर अर्थात शंकर के ऊपर लागू न होता हो। तो धूर जटी भी लागू होता है। धूर माने धूल, काय की धूल होती है? अरे धूल काय की होती है? गधा धूल में लोट जाता है, बाबा इतना श्रृंगार करते हैं। धूल माने देह अभिमानी की धूल, और जटी माने जटाएं, जिसकी जटाओं में धूल भरी हुई है। होती हैं ज्ञान की जटाएं, जो भी ऋषि मुनि सन्यासी होते हैं पुराने पुराने वो क्या करते हैं? हैं? जटाएं रखा लेते हैं, और जटाओं को काटते नहीं है, सुलझाते नहीं है। ऐसे ही अच्छी तरह से एक दूसरे से मिली हुई संगठित हुई जटाएं रहती हैं, सुलझी हुई जटाएं उन्हें कहा जाता है, जिनमें ज्ञान की एक एक बात क्लियर हो जाए वो है खुली हुई जटा। और जो जटाएं धूल धूसरित होती है, कभी धोई नहीं जाती है, जटा बन के रह जाती है, मोटे मोटे गिट्ठे सांप जैसे, उनको कहते हैं धूर जटी। तो जटाएं तो हैं लेकिन धूल धूसरित हैं, देह अभिमान की धूल से अटी हुई है। बालों को धूल से साफ किया जाता है या ज्ञान जल से साफ किया जाता है? जल से साफ होना चाहिए। दिखाते हैं कि जब गंगा अवतरण हुआ तो उन्होंने क्या किया, अपनी जटाएं खोल दी, एक एक जटा अलग अलग हो गई, अलग अलग ही नहीं हो गई, जटाएं खड़ी हो गई। और जटाएं होती हैं तो फिर वो तो धूल से अटी हुई है तो पड़ी हुई दिखाई जाती है, खड़ी होने की तो बात ही नहीं है। तो इसलिए भक्ति मार्ग में एक नाम दे दिया है धूर जटी, वो सात्विक स्टेज है या तामसी स्टेज है पुरुषार्थ की? पुरुषार्थी जीवन की तामसी स्टेज है या सात्विकी स्टेज है शंकर की? तामसी स्टेज है।
भक्ति मार्ग में गाते हैं जय जय शिव शंकर काटा लगे न कंकर, इसका अर्थ क्या है? अरे सीधा सीधा अर्थ है इसका, जब शंकर की जय होगी, क्या शिव शंकर भोलेनाथ की जब जय होगी संसार में, तो जिन लोगों के बीच में जय जयकार होगी, बाबा ने तो बताया एक तरफ जय जयकार होगी और दूसरी तरफ हाहाकार होगी, तो जिस पोर्शन में जिस पाला में जय जयकार होगी, उन जय जयकार करने वालों को कांटा या कंकर परेशान करेगा नहीं करेगा, खुशी इतनी बढ़ जाएगी कि कांटे से प्रभावित होने की बात ही खत्म हो जाएगी। और भक्ति मार्ग में कोई गीत गाते हैं, कोई ने सुना हो तो बता देना, काशी में तेरा जलवा काबे में नजारा, वो भी हमें प्यारा है ये भी हमें प्यारा, कोई ने सुना है? हैं? नहीं सुना? अरे कोई होगा जो देवता धर्म में भी रहता है और इस्लाम धर्म में भी कन्वर्ट हुआ होगा, ऐसी आत्माएं यहां हैं कि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में हैं? तो उनका ये गीत भी है, काशी में तेरा जलवा काबे में नजारा, क्या नजारा वहां देखने को मिलता है, काबे में जितनी भीड़ होती है जितना मनुष्यों का संगठन होता है, मुसलमानों की जितनी भीड़ भाड़ होती है इतना दुनिया के किसी भी धर्म में किसी भी धर्म खंड में इतनी भीड़ नहीं होती, ये नजारा वहां देखने को मिलता है। तो काशी का जलवा भी देखने को मिलता है, वो भी हमें प्यारा है क्योंकि हम हिंदू भी बनते हैं, और फिर हम जब मुसलमान बने तो काबा में जाके हज भी की होगी, वो भी नजारा हमें प्यारा लगता है, वहां संगठन इतना क्यों इकट्ठा होता है, क्या कारण है? एक को याद करते, क्योंकि एक को याद करते हैं, नूर को याद करते हैं, निराकार को याद करते हैं, करते थे एक तरफ बुद्धि लगी हुई है, करते थे नहीं, अभी जो हज को जाते हैं उनकी बुद्धि कहां लग, चाहे पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान हो, चाहे हिंदुस्तान में रहने वाला हो, चाहे अफगानिस्तान में रहने वाला हो, ईरान इराक में रहने वाला हो, उनकी बुद्धि कहां लगी रहती है, उनकी हसरत बनी रहती है कि हम भी जिंदगी में एक बार हज करने जरूर जाएंगे, हाजी जी का लकब जरूर धारण करेंगे। तो ये बुद्धि की एकाग्रता है, ये कलयुग की बड़ी भारी उपलब्धि है। हिंदुओं में तो सिर्फ गायन है, संघो शक्ति कलौ युगे, कलयुग में संगठन की शक्ति बहुत काम करती है, लेकिन मुसलमानों में तो इसका प्रैक्टिकल रूप देखा जाता है, प्रैक्टिकल नजारा है। और भक्ति मार्ग में इसका प्रूफ भी है, जितना इस्लामियों ने दुनिया में राज्य किया है पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा हिस्से में, उतना दुनिया के किसी भी धर्म ने राज्य नहीं किया। ये किस बात की कमाल है, है? संगठन की कमाल है। और
देखना जरा लक्ष्मी नारायण के चित्र को ध्यान से। बाबा लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो रंग दिखाए हैं, ऊपर का रंग केसरिया है, है? है? केसरिया रंग है ऊपर नहीं है? है? ऊपर का रंग केसरिया है अर्थात क्रांति का सूचक है, नीचे हरियाली है अर्थात नई दुनिया का सूचक है, तो बीच में जो लक्ष्मी नारायण के साइड में इधर उधर है ना, कौन सा रंग है? जामुनी। जामुनी माना सफेद, जो देवताओं के चारों ओर रोशनी का घेरा दिखाते हैं, है? वो घेरा दिखाया है ना राधा कृष्ण के चारों ओर, नहीं नीचे नहीं, लक्ष्मी नारायण के चारों ओर जो घेरा दिखाया है वो कौन से रंग का है? सफेद रंग है। उसका अर्थ क्या है? जामुनी कलर है। कौन सा सफेद जो है, जो ऊपर है वो बुद्धि के मनन चिंतन मंथन का सूचक है, बुद्धि में मन बुद्धि में जब संकल्पों का खून ज्यादा खौलता है, तीव्र गति से संकल्पों का खून चलता है तो खून शुद्धता की ओर जाएगा या तामसी की ओर जाएगा? तो क्रांति हो जाती है। जैसे झंडे के चित्र में ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया रंग है। बुद्धि में क्रांति ला देता है, विचारों की क्रांति आ जाती है, संकल्पों की क्रांति आ जाती है। और लक्ष्मी नारायण के नीचे राधा कृष्ण दिखाए हैं, जहां हरा रंग दिखाया है, वो क्रांति आने से ही दुनिया में शांति होगी, फिर शांति में सुख भी समाया हुआ है, तो वो सुख की दुनिया दिखाई है। और लक्ष्मी नारायण के दोनों ओर जो प्रकाश ही प्रकाशित है, प्रकाशमय दुनिया दिखाई गई है, वो ज्ञान का प्रकाश है, जो क्षीर सागर में दिखाया जाता है चित्रों में कि दूध का सागर है, उस सागर में नारायण सर्पों की सैया के ऊपर आराम से लेटा हुआ है, उसका अर्थ है कि जो सागर है वो मनन चिंतन मंथन ज्ञान का ऐसा सागर है जो सात्विक संकल्पों से ही भरा हुआ है, क्रांति पैदा करने वाले संकल्प नहीं है, सूक्ष्म वतनवासी जैसे है, ये अर्थ है। अरे बदलने में थोड़ा देर लगेगी कि नहीं लगेगी? एकदम हो जाएगा। हाँ, अगली बात है, नारायण के कुंडल छोटे और लक्ष्मी के कुंडल बड़े हैं, इसका क्या मतलब है? हैं?
कुंडल कौन से अंग में होते हैं? कान में। माने सुनना सुनाना ये भक्ति मार्ग का संस्कार है, और ये भक्ति मार्ग के संस्कार ज्यादा लक्ष्मी में है या नारायण में है, तो उनके कुंडल बड़े हैं और नारायण के कुंडल छोटे हैं। लक्ष्मी तो अभी भी वहां रह करके सुन ही तो रही है, बाबा की जो मुरली है सुनती है और दूसरों को सुनाती है कि समझती भी है, न समझती है न समझा हुआ दूसरों को सुनाती है। लास्ट में ऐसी स्टेज आवेगी कि समझेगी भी और समझाएगी भी, तो उस समय बुद्धि की बात हो जाती है। लेकिन विशेष संस्कार हैं यहां कुंडल के, सुनने सुनाने के, जिसकी यादगार कान में दिखाई जाती है। कर्ण सूर्य का पहला पुत्र है, यानी कि पांडवों में सबसे बड़ा पांडव है। भगवान को जानता भी था, मानता भी था, लेकिन उनके रास्ते पर चलता नहीं था। उससे एक ही गलती हो गई कि दुर्योधन का साथ दिया, तो उसका सर्वनाश हो गया। अगर संग का रंग खराब हो जाए तो भला होगा या बुरा होगा? बुरा हो जाता है। तो ये प्रश्न है, ये पार्ट किसका है? क्या ऐसे तो क्लेरिफिकेशन में पहले भी ये प्रश्न आया था, इसका जवाब भी क्लियर हो गया है, किसी को याद है तो बताओ। ब्रह्मा बाबा कैसे हैं? अरे ब्रह्मा बाबा कह देने से कोई थोड़ा ही मान लेगा? बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे बिना प्रूफ और बिना प्रमाण के मानने के लिए तैयार नहीं होते, तो आपने कैसे मान लिया? हाँ हाँ कर रहा है ना, उससे जो भी पहले बाबा से निकलता है तो पहले कान सुन लेते हैं। अच्छा माने काम के आधार पर नाम पड़ गए शास्त्रों में, तो कर्ण का अर्थ होता है कान, और उसको कान का श्रृंगार भी मिला हुआ था। क्या हाँ? कुंडल, तो कान का श्रृंगार है कुंडल। जैसे अभी लक्ष्मी नारायण की बात आई तो मुख्य श्रृंगार भी उसको पड़ा हुआ है, कान का श्रृंगार है अच्छी बातें सुनना और दूसरों को अच्छी बातें सुनाना। तो भगवान से ज्यादा कोई अच्छी बातें सुना सकता है? है? तो ब्रह्मा में खुद भगवान ने आकर के अच्छी अच्छी बातें सुनाई, जो दुनिया की सबसे अच्छी बातें हैं।
वो पहले पहले कौन सुनता है? हैं? ब्रह्मा की सोल सुनती है, कोई दूसरा सुनता है नहीं? वो ही पहले सुनता है और जो सुना हुआ है वो दूसरों को सुनाता भी है। हू बहू मिक्स करके कुछ भी नहीं, या मनन चिंतन मंथन करके भी कुछ नहीं। जैसे कोई बच्चा होता है ना, प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, सूरदास कबीरदास तुलसीदास के दोहे कवित्त पढ़ाए जाते हैं, प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे को पढ़ाए जाते हैं और बीए एमए में भी वही दोहे और कवित्त पढ़ाए जाते हैं। तो बीए एमए वाला रटता है या बच्चा रटता है? बच्चा रट्टा लगा लेता है, ज्यों का त्यों सुना देगा, लेकिन उसका गुह्यार्थ न समझता है न दूसरों को समझा सकता है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा जो अच्छी से अच्छी संसार की बातें हैं, भगवान की बातें, वो पहले पहले सुनता है और दूसरों को सुनाता भी है। इस काम के कारण उनका नाम पड़ गया कर्ण। अब कर्ण किसका पुत्र था? हाँ, था तो सूर्य पुत्र, क्योंकि मैं आकर ज्ञान किसको देता हूं? हाँ? ज्ञान सूर्य को मैं ज्ञान देता हूं, तो ब्रह्मा बाबा को ज्ञान जिससे मिला, जिसने ज्ञान का बीज डाला, वो बीज डालने वाला बाप कौन था? प्रजापिता, प्रजापिता ब्रह्मा। मैं जब आता हूं तो पहले पहले किसको सुनाता हूं? है? सूर्य को सुनाता हूं। तो प्रजापिता ज्ञान सूर्य हुआ, और ज्ञान सूर्य का बच्चा हुआ दादा लेखराज ब्रह्मा, और वो ब्रह्मा को पाला किसने? कर्ण को जन्म देने वाला कोई दूसरा और पालने वाला कोई दूसरा था। तो जो पालने वाला था वो ऊंच कुल का था या नीचे कुल का था? नीच कुल का था, सूत पुत्र था। सूत उसे कहा जाता है जो घोड़ा गाड़ी चलाने का काम करता है, ड्राइविंग ड्राइवर। तो राम बाप की आत्मा जब या ज्ञान यज्ञ से चली गई, उसके बाद ब्रह्मा के शरीर रूपी रथ को पालने वाले कोई निमित्त बने या नहीं बने? है? कौन थे उस शरीर की विशेष पालना किसने की? वो आधार मुहूर्त आत्माएं वहां भी पालना करती हैं भगवान के रथ की, और उनकी बीज रूप आत्माएं एडवांस में भी पालना करती हैं भगवान के मुकर्र रथ की। वो अगर पालना न करें तो परिवार में बढ़ोतरी नहीं हो सकती। तो सारा कारोबार यज्ञ का कौन चलाते थे? विश्वकिशोर भाऊ और कुमार का दादी। जब नई दुनिया तैयार होगी
तो नई दुनिया में कृष्ण को जन्म देने वाली माता तो अलग होगी। और बाबा ने कहा कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है दासी आकर फट से उसको संभाल लेती है, तो कौन है? अरे कृष्ण को कहां दिखाते हैं? कौन सा कंठ मशहूर है? यमुना का कंठ। तो यमुना हो गई बीज रूप आत्मा और आधारभूत आत्माएं बेसिक में हो गए, तो दासी पुत्र हो गए। कौन? करण। किसके प्रभाव में आ गए? दुष्ट युद्ध करने वालों के प्रभाव में आ जाते हैं। यज्ञ के आदि में जो अहिंसक पार्ट बजाने वाली सूर्यवंशी आत्माएं हैं वो तो चली जाती हैं, फिर कौन रह जाते हैं यज्ञ के अंदर? इस्लामी, बौद्ध, क्रिश्चियन, मुस्लिम वगैरह वगैरह। यानी सभी धर्मों में हिंसा का प्रभाव ज्यादा है या अहिंसा का प्रभाव ज्यादा है? हिंसा का प्रभाव ज्यादा है। तो जो हिंसा करते हैं, हिंसक युद्ध करते हैं, हिंसक युद्ध का जिनके संसार में आने से प्रचलन हो जाता है वो ये है, क्या नाम पड़ा? दुर्योधन। कैसा युद्ध करने वाले? दुष्ट युद्ध करने वाले हैं। उन दुष्ट युद्ध करने वालों के संसर्ग संपर्क में संबंध में वो ब्रह्मा वाली आत्मा, कृष्ण वाली आत्मा, वो करण वाली आत्मा आ जाती है। इसलिए पांडव की जगह क्या बन जाते हैं? हैं? पौरव बन जाते हैं। कौरवों की क्या विशेषता बताई? पांडवों की क्या विशेषता बताई? पांडव जानते भी हैं, मानते भी हैं और भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलते भी हैं। कौरव? कौरव जानते तो हैं, कौरव जानते तो हैं कि ये श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान है, मानते भी हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। और यादव ना जानते हैं, ना मानते हैं और ना चलने की बात पैदा होती है। तो कौरवों की लिस्ट में दुर्योधन को फॉलो करने वाले आ जाते हैं, उनमें कर्ण भी है। पांडवों में जो श्रेष्ठ धनुर्धारी अर्जुन था उस अर्जुन की टक्कर की आत्मा है, लेकिन भगवान को फॉलो न करने के कारण, दुष्ट संग हो जाने के कारण कौरवों की लिस्ट में चला गया। इसलिए ये पार्ट क्लियर हो जाता है। ये पार्ट तभी तक ही माना जाएगा जब तक देह अभिमान आत्मा में मौजूद है। सूक्ष्म शरीर धारण करने के बाद भी वो करण वाली आत्मा कौरवों की ओर आकर्षित ज्यादा होती है या पांडवों की ओर ज्यादा वो आकर्षित होकर रहती है? कौरवों की ओर ही आकर्षित होकर रहती है।